सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मस्टर्ड केक से हेयर मास्क बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप अपने बालों को जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हो। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है और ये बहुत ज़्यादा सेफ होता है छोटे बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये डीपली नॉरिशमेंट देता है और मॉइस्चराइज करता है आपके स्कैल्प को। तो इस तरह से थोड़ी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड केक। अगर आप बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, तो आप अपने सफ़ेद बालों को भी काला कर सकते हैं। इसका रेगुलर यूज़ करने से आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी होती है, थिकनेस अच्छी होती है और डार्कन कलर आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ इसे मैन विमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। है ना, बहुत ही एंशियंट टेक्निक से बना हुआ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपके बालों को नॉरिशमेंट मिलेगा। एक ऐसा मास्क जो कि आप अपने बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हो, साथ ही साथ सफ़ेद बालों को आप काला भी कर सकते हैं। तो मस्टर्ड केक बहुत ही अच्छे से हाई प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इसके कंटेंट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं। आपको क्या करना है, एक पैन में छोटे छोटे टुकड़ों में मस्टर्ड केक को तोड़ करके डाल देना है। उसी के साथ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लेने वाले हैं काला तिल। मैंने इसे थोड़ा सा देखिए दर बरासा कर लिया है, क्योंकि इसके ऑयल जो होती है ना, ये हमारे स्कैल्प के मेलेनिन पिगमेंट को इंक्रीज़ करने का काम करती है। तो आपको यहाँ पर लेना है तिल। जी हाँ दोस्तों, 2 बड़े चम्मच के तकरीबन आप यहाँ पर तिल का भी इस्तेमाल ज़रूर करिए, जो कि डीपली नॉरिशमेंट देगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मेथी दाना 1 बड़े चम्मच के तकरीबन। इन सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर लेने वाले हैं यहाँ पर एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, मैंने मेरे फ्रेश गार्डन में एलोवेरा लगा रखा है, तो उसका ही मैंने यहाँ पर जेल निकाल करके रख लिया, जो कि फ्रेश जेल का ही आपको यूज़ करना है, जिससे कि आपके बाल जो है सिल्की सॉफ्ट और शाइनी बनते हैं। वैसे आपको इस रेमेडी को बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर करना है। हमने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लेकर के वाटर ऐड करना है और यहाँ पर इसे हमें बॉईल करने के लिए रखना है। दोस्तों, वैसे मार्केट में आजकल बहुत सारे ऐसे मस्टर्ड केक के आपको मास्क देखने के लिए मिल रहे हैं, शैम्पू भी देखने के लिए मिल रहा है, बट वो केमिकल बेस्ड होते हैं। आप इस तरह से बिना केमिकल के बनाइए अपने घर पर ही इन सारी चीज़ों को, तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है इसके अंदर। जब ये बॉईल हो जाए ना फ्रेंड्स, तो इसे बहुत ही आराम से टूट जाती है। वैसे तो एकदम सॉफ्ट होती है, नरम होती है। इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस करके इसका मास्क बना करके भी आप लगा सकते हो। तो मैंने मास्क प्रिपेयर तो कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ना, इसको वेस्ट नहीं करना है। ये जो है चीज़ हमने छान करके ले लिया है, बट ये जो मास्क है इसको आपको मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके पेस्ट, स्मूथ पेस्ट बना करके अपने बालों पर इसका एप्लीकेशन लगाना है। और वाटर में आज जो आप लोगों को बता रही हूँ, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन आया ना, इस वाटर से हम प्रिपेयर करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग सा नेचुरल डाई। जी हाँ दोस्तों, तो हमें ये वाटर मिल चुका है यहाँ पर मस्टर्ड केक का। हम सारी चीज़ें हैं न्यूट्रिशन इसमें आ चुकी हैं, जैसे हमने काला तिल लिया था और यहाँ पर मेथी दाना लिया था, एलोवेरा को लिया था, तो ये हमारा वाटर यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कलौंजी, जो कि आपके स्कैल्प से मेलानिन पिगमेंट को इंक्रीज़ करती है, बूस्ट करती है हेयर की ग्रोथ करने के लिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सफ़ेद बालों को ये काला भी करती है। तो इन चीज़ों को हमको मिक्स करना है अच्छी तरह से अपने बालों पे, और आप इसे स्प्रे फॉर्म में भी लगा सकते हैं। स्प्रे करके, बाल सफ़ेद हैं, बाल काले हैं तभी लगाइए, बाल काले हैं तो सफ़ेद नहीं होंगे आपके। नहाने से 15 मिनट आपको स्प्रे करके इसे छोड़ना है और बालों को धो लेना है।